अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। के कविता ने कौंसिल के रुकन की हैसियत से ले लिया हलफ। शौहर की मौत के 2 साल बाद खातून ने दिया बच्चे को जन्म। निजामाबाद जिले में शर्मनाक वाकया। तेलंगाना में जमीनों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज। धरानी पोर्टल का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। हेलीकॉप्टर में शादी के लिए जाना हैदराबादी खानदान को पड़ा महंगा। मंचरियाल जिले में शेर की मौजूदगी से लोग हो गए खौफजदा। ऑनलाइन क्लासेस उर्दू जबान में भी चलाए जाएं, SIO तेलंगाना की अर्जी पर हाई कोर्ट की हिदायत। हैदराबाद में सास के हाथों दामाद का हो गया कत्ल। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 1504 नए केसेस दर्ज, 5 अफराद की मौत। दारुल उलूम देवबंद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़े कार्टून मामले पर हुकूमत हिंद अपने मौकिफ का इजहार करे, मुफ्ती अबुल कासिम। फ्रांसीसी सदर की तरफ से गुस्ताखाना खाकों की हिमायत गैर मुनासिब, मौलाना महमूद मदनी। कोरोना दिल्ली में खौफ, एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5673 नए केसेस दर्ज। आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया, RTI इदारे ने वजारत समेत कई को भेजा नोटिस। सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया आईना, आवाम से कहा उनके पास जमहूरियत बचाने का है मौका। आलमी बरादरी मुस्लिम मुखालिफ इकदामात को फौजदारी जुर्म करार दे, शेखुल अजहर। आर्मेनिया के मिसाइल हमले में 21 अजरी शहरी हलाक, जंगबंदी की तीसरी कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भारत भेजा, कौमी असेंबली के रुकन का दावा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के सबब प्याज पैदा करने वाले किसान मुश्किलात से दो चार, शरद पवार। कश्मीर से दिल्ली पहुंची NIA, अकलियती कमीशन के साबिक चेयरमैन जफरुल इस्लाम के ठिकानों पर छापामारी। समाजवादी पार्टी को जवाब देंगे, चाहे BJP को ही वोट क्यों ना देना पड़े, मायावती। दिल्ली वालों पर एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आलूदगी की मार। SP झंडे के रंग में बैतुल खला, समाजवादी पार्टी नाराज, कार्रवाई का मुतालबा। कश्मीर नए अराजी क़वानीन के खिलाफ PDP का एहतजाज, नाकाम, दफ्तर भी सील। ऑनलाइन जुए, गेमिंग सट्टे की वेबसाइटों और एप्स पर रोक लगाई जाए, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी। मेरठ में दिवाली के लिए रखे गए पटाखों से जबरदस्त धमाका, 2 अफराद हलाक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कर दिया मौतिल। झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, राहुल गांधी। फ्रांस में कोरोना का कहर, दोबारा लॉकडाउन नाफिज। इसी के साथ केबीएन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।